फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा पहुंचे फरुखाबाद। राम आसरे विश्वकर्मा पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव से सेंट्रल जेल में मिलने पहुंचे। राम आसरे विश्वकर्मा ने भाजपा साधा निशाना, संविधान खतरे में है, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, मूलभूत सुविधाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लोकतंत्र के मानक को कायम रखना चाहिए। फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल का मामला देखिए, ये संविधान तो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और तमाम मूलभूत सुविधाओं को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और जो है बोलने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम किया जाया, इससे तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन जो लोकतंत्र के जो मानक हैं या लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं उसको कोई भी सरकार रहे उसको कायम रखना चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।